नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आज 7 जून 2019 है और आप 1 जनवरी 1980 के आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप आज की तारीख से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको घटा के अपनी एज साल दिन और महीने में कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसमें क्लॉज है कि अगर आप रिटायर होने के बाद सिविल में आ रहे हैं तो उसमें ऑप्शन दिया होता है कि 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, कोड नंबर 3 जो कि मैं एरो मार्क से दिखा रहा हूँ, कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, तो उसमें आगे दिया हुआ है 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिडेंडरेट फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और आपकी जो मिलिट्री सर्विस है वो एक्चुअल एज में से घटेगी। तो उसका क्या फार्मूला है? ये सेम फार्मूला जनरल नॉर्मल कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन की एज निकालने के लिए फार्मूला सेम है। एक्स सर्विसमैन को अपनी जो एज निकलेगी उसमें से अपनी जो उसकी सर्विस पीरियड है उसको घटाना पड़ेगा आखिरी में, तो वो आगे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको मैं इस कैलकुलेशन की तरफ ले जाता हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर नोटपैड खोल दिया है और आज हमारी डेट है 7/6/2019। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि पहले साल को लिखो, महीने को लिखो, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल फंडा बताता हूँ। अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप साल पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई इशू नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7/6/2019। तो यहाँ पर जो 7 है हमारी आज की तारीख है, देन आफ्टर 6 महीने हैं और 2019 साल है जो कि ये साल चल रहा है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल देता हूँ, 1/1/1980। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 1/1/1980। तो यहाँ पर अगर आज हमारी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1980 है और आज की तारीख से हमें अपनी एक्चुअल कितनी एज होगी वो निकालनी है, तो सिंपल से ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर आप 2019 से अगर 1980 घटाते हैं, देन आफ्टर 39 ईयर्स हो गया, देन आफ्टर 6 में से 1 गया, ये आ गया आपके 5 मंथ, देन आफ्टर 7 में से 1 घटाएंगे तो ये आपके आगे 6। तो यहाँ पर आपकी एज होगी 39 साल 5 महीने और 6 दिन। ठीक है, ये सेम एक्स सर्विसमैन के लिए भी अप्लीकेबल है और आपके लिए भी। अब ये जो कैलकुलेशन थी सिंपल सी थी, मींस जो इसमें आज की तारीख और महीने हैं वो बड़े हैं जो कि 7 और 6 है, देन आफ्टर नीचे जो 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी वो ऊपर वाली तारीख से छोटे हैं तो इसलिए घट गया। अभी मैं आपको थोड़ा टिपिकल वाला जो डेट ऑफ बर्थ है उसका उदाहरण देके समझाता हूँ। देखिए, सेम आज की तारीख ले लेते हैं हम, देखिए 7/6/2019 और यहाँ पर हम लेते हैं, देखिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30/8/1980, तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको यहाँ पर सबसे पहले दिन घटाने हैं, तो 7 दिन में से 30 दिन घटाएंगे तो नहीं घटेगा आपका। तो इसके लिए आपको बगल से उधार लेना पड़ेगा जो कि ये देखिए 6 है, यहाँ से आपको उधार लेना पड़ेगा। तो 6 में से जब एक उधार लेंगे तो यहाँ पर हमारे दिन जुड़ जाएंगे। तो ये 6 है तो नॉर्मली ये जून का महीना है, तो जून का महीना 31 दिन का होता है, यहाँ पर हम 31 दिन जोड़ देंगे, तो 31+7 यहाँ पर हो गया 38, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 दिन। और जब हम यहाँ 6 से
एक वहाँ ले गए थे, तो यहाँ बचे थे हमारे पाँच, ठीक है। तो पाँच में से आठ नहीं कटेगा हमें बगल वाले साल से, देखिए जो मैं काट रहा हूँ यहाँ से एक साल लेना पड़ेगा, तो यहाँ बच जाएगा 2018। और यहाँ पर पाँच में एक साल हमने लिया तो 12 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 प्लस पाँच हो गया 17। तो 17 को जब हम 8 घटाएंगे 17 में से, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 9। और देन आफ्टर 2018 से 1980 घटाएंगे तो 38 साल, तो यहाँ पर जो हमारी एज निकल गई 38 साल 9 महीना और 8 दिन। तो इस तरह से ये हमारी एज काउंट होगी, ये जनरल कैटेगरी और नॉर्मल कैटेगरी दोनों का बता दिया। अब अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर पूरा डिलीट करता हूँ, आपकी यहाँ पर एज निकली थी 38 साल 9 महीना और 8 दिन। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप आर्म फोर्सेस में 15 साल की नौकरी करके आए हैं, तो आपको यहाँ जो आपके सर्विस टेन्योर है वो घटा देना है यहाँ से। तो आपकी एज जो आ जाएगी 38 में से 15 घटाएंगे 23 साल 9 महीना और 8 दिन, तो 23 साल 9 महीना 8 दिन आ गई एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि ये बोलते हैं कि आपका सर्विस टेन्योर घटेगा 23 साल 9 महीना और 8 दिन। अभी मैं आपको देखिए दोबारा उस नोटिफिकेशन में ले जाता हूँ। मैं देखिए अभी जो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, मीन्स आपने 3 साल घटाने हैं 23 साल 9 महीना और 8 दिन से। देखिए मैं आपको दोबारा अभी नोटपैड की तरफ ले जाता हूँ। तो देखिए 38 साल 9 महीना 8 दिन में से जब हम अपने अपने 15 ये सर्विस के साल है SERVICE, तो ये घटाया तो 23 साल 9 महीना 8 दिन, तो देखिए 23 साल 9 महीना और 8 दिन। तो जब हम इसको 3 साल घटाएंगे यहाँ पर, तो देखिए जैसे कि वो जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, तो यहाँ पर आपकी एज होगी 20 साल 9 महीना और 8 दिन। तो यहाँ पर जो आपकी एज होगी एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एज एक्स सर्विसमैन, तो आपकी होगी 20 साल 9 महीना और 8 दिन। ये 20 जो है साल है, 9 महीना है और 8 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 साल 9 महीना 8 दिन आपकी एज है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी एक्चुअल जो एज है, जो सबसे फर्स्ट बार निकली थी हमने 38 साल 9 महीना और 8 दिन है एक्चुअल एज जो है हमारी, वो आपकी जो कैलकुलेशन के हिसाब से, वो कैलकुलेशन के हिसाब से 23 साल 9 महीना और 8 दिन है। तो यहाँ पर जब आप गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप इम्प्लॉय हो जाते हैं 38 साल 9 महीना 8 दिन में, तो एज पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आपकी 58 साल उम्र है या फिर 60 साल है, तो आपको ये 38 साल के हिसाब से ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी। मीन्स आपको अप्रॉक्स 11 साल 3 महीने के करीबन आपको और नौकरी कर सकते हैं आप, क्योंकि 60 साल में गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट की हमारी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ 60 साल में रिटायरमेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने समझा कि आपको, आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कैसे आप अपनी एज निकाल सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपनी एक्चुअल एज को कैसे एज पर रूल्स के हिसाब से आज अपनी एज गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आज की एज कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.